आजादी के गुमनाम नायकों की याद दिलाएगा ये आजादी क्विस्ट गेम। भारत सरकार ने कल दो गेम लॉन्च किया है, एक आजादी क्विस्ट और दूसरा हीरोज ऑफ भारत। ये दोनों गेम जो है वो अपने बच्चों को बोलिए कि खेलेंगे, बच्चे भी सोचेंगे कि यार आज तक तो पेरेंट्स बोलते थे कि गेम मत खेलो, टाइम वेस्ट मत करो, टाइम पे पढ़ाई करो, लेकिन आज वही पेरेंट्स बोल रहे हैं कि यार ये गेम दोनों अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लो और उसको पर डे खेलो। तो बच्चे भी सोचेंगे यार कि चलो मेरा भी मौज है यार कि दो गेम भारत सरकार ने लॉन्च किया और पेरेंट्स बोल रहे हैं कि गेम खेलो वहाँ पे, ताकि कुछ भारत के बारे में तुमको जानने को मिलेगा। जो भारत के जो वीर थे जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने में बहुत मशक्कत किया उनको आज कोई नहीं जानता है। बहुत सारे ऐसे हीरो जो हैं जिनको कोई नहीं जानता है और जो पढ़ाया गया है किताबों में वही वो केवल जानते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। भारत सरकार ने दो जो गेम लॉन्च किए हैं आज़ादी क्विस्ट और हीरोज ऑफ भारत, ये दोनों गेम अगर आपके बच्चे खेलेंगे ना वहाँ से बच्चे जो है बहुत कुछ समझ सकते हैं, बहुत कुछ जान सकते हैं अपने भारत के बारे में। और इसको बच्चे ही नहीं हम लोग भी खेल सकते हैं, बड़े भी किसी भी एज के लोग इस गेम को खेल सकते हैं और भारत के बारे में जान सकते हैं जो कि आज तक किताबों में पढ़ाया नहीं गया है, वो सारा कुछ आपको इस गेम में देखने को और सीखने को मिलेगा। तो चलिए विदाउट डिले किए बिना हम लोग शुरू करते हैं, ये गेम कहाँ से इंस्टॉल करना है, कैसे खेलना है, कैसे बच्चों को उसको इसके बारे में बताना है कि भाई इसके बारे में खेलो। पजल्स गेम है, वहाँ पे आप खेल करके स्कोर जीत सकते हैं, बहुत सारा अवार्ड जीत सकते हैं, तो ये बहुत कुछ इसमें एक्टिविटी होने वाला है। तो हम आज आपको बताएंगे कैसे इंस्टॉलेशन करना है, कैसे खेलना है। तो शुरू करने से पहले बस वही एक बात आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहे थे कि आप इस वीडियो पे अगर शुरू पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर तो करते ही जाइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको अगर ये चीज़ नहीं पता है कि भाई ये भारत सरकार के एक नया गेम आया है जहाँ से कुछ सीखने के लिए मिलेगा, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसी कोर्स से कुछ अलग एक्टिविटी करके आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा, तो ये बहुत बड़ी बात है आपको कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा, गेम खेलेंगे तो वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। अगर आप इस गेम को खेल रहे हैं तो आप सीखेंगे तो अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं। तो चलिए विदाउट डिले किए बिना मैं अपने मोबाइल स्क्रीन को इधर ऑन कर देता हूं, आप इधर देख करके समझ सकते हैं कि इसको कैसे खेला जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले आप अपना गूगल के प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां पर आप टाइप कीजिए आजादी क्विस्ट गेम। इस देखिए दोनों गेम का जो है ना लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सरकारी आदेश.com के वेबसाइट पे लिंक दे दूंगा, डायरेक्टली वहां से आप जा करके इस गेम का लिंक ले सकते हैं, क्योंकि अभी नया नया गेम लॉन्च हुआ है तो हो सकता है कि आपको प्ले स्टोर पे जल्दी में ना मिले, खोजना पड़े आपको। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर सरकारी आदेश.com वेबसाइट है, वहाँ पर जाइएगा तो मैं आपको बता दूंगा, वहाँ पर टाइप कीजिएगा आप आजादी क्विस्ट सरकारी आदेश.com तो आपको ये लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आप डायरेक्टली वहां से जा करके इस गेम को डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में और उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही ये गेम लॉन्च हुआ ना अब इस पे बहुत सारा स्पैम जो फालतू का जो गेम को क्लोन करके इधर उधर से ना ऐड वाला बहुत सारा गेम आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पर, तो हो सकता है आप गलत गेम अगर डाउनलोड कर लिए तो फिर माथामारी हो जाएगा, आपको सही जो भारत सरकार का ऑफिशियल जो गेम है वो नहीं मिल पाएगा। तो देखिए यहाँ पे दो गेम आपको इंस्टॉल करना है, आजादी क्विस्ट मैच 3 पजल करके ये बता रहा है, जिंगा जो कंपनी है ना उसको उसके साथ कोलैबोरेशन करके ये भारत सरकार गेम को लॉन्च किया है, तो यहाँ जिंगा करके दिखाएगा आपको कौन इसको पब्लिश किया है, तो आपको इसको इंस्टॉल करना है। ये देख लीजिए यहाँ पे लोगो देख लीजिए, और वैसे तो मैं आपको डाल ही दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जाके ले सकते हैं आजादी क्विस्ट हीरोज ऑफ भारत करके। देखिए दूसरा गेम आ रहा है, ये भी जिंगा करके आ रहा है, इसको भी आप यहां पे इंस्टॉल कर लीजिए। तो दोनों गेम यहां पे इंस्टॉल कर लीजिए, बहुत ही छोटा साइज है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है गेम को इंस्टॉल होने में आपके मोबाइल में। तो देखिए मेरा यहां पे एक गेम जो है आज़ादी क्विस्ट यहां पे डाउनलोड हो गया है। यहां पे चलिए ओपन करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या फैसिलिटी आपको देखने को मिल सकता है और कैसे कैसे आप इसको आप खेल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर लॉन्चिंग नीचे में हो रहा है ये गेम, इसके बाद यहाँ पे कुछ प्रोसेस कर रहा है।
यहाँ पे ओपन का ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है, दोनों गेम मैं एक साथ ओपन कर ले रहा हूँ ताकि आपको दोनों गेम देखने को। यहाँ पे हीरोज ऑफ भारत करके ये गेम है, यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आप एक्सेप्ट जैसे ही करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये स्टोरी बताएगा, देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से ये स्टोरी। जैसे ही खोलेंगे ना आपको आजादी वाला फीलिंग्स आएगा कि अरे स्वतंत्रता दिवस तो नहीं आ गया है अभी। यहाँ पे देखिए जो फाइटर्स हैं हमारे, उसका फोटो यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे जो भी यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आजादी का अमृत महोत्सव जो अभी चल रहा था उसी के उपलक्ष्य में दो गेम भारत सरकार का जो सूचना प्रसारण जो डिपार्टमेंट है वहीं से लॉन्च किया गया है। यहाँ पे देखिए दो लैंग्वेज में आता है ये गेम, इंग्लिश में और हिंदी में। आपके बच्चे जिसमें कंफर्टेबल हैं, हिंदी में है तो हिंदी कर दीजिए, इंग्लिश में है तो इंग्लिश कर दीजिए। मैं अभी तो हिंदी में करता हूँ क्योंकि मेरा चैनल जो है वो हिंदी में है। यहाँ पे देखिए थोड़ा वॉल्यूम कम कर लेते हैं। गेम का नियम जो बता रहा है, यहाँ पे कुछ आपको सवाल दिए जाएंगे, उसका वहाँ पे जवाब भी रहेगा। आपको क्विज टाइप से कैसे होता है आपको सेलेक्ट करना है। सिल्वर आज़ादी वीर कार्ड जीतने के लिए कम से कम 6 सही जवाब आपको देना पड़ेगा, और एक विशेष गोल्डन कार्ड का वीर अवार्ड जीतने के लिए कम से कम 10 सवाल का जवाब आपको सही सही देना होगा, तभी आपको ये अवार्ड मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं भाई कितना पानी में है, ठीक है करके चलिए खेलते हैं। बोलता मंगल पांडे ने करतूसों के प्रयोग का विरोध किया क्योंकि करतूस गौ मांस और सुअर की चर्बी से बने थे। वाओ, और यह सही हो गया, यानी कि लग रहा है कि पढ़ाई लिखाई किए हैं। चलिए एक तो सवाल सही हो गया, दूसरा मंगल पांडे बधाई हो, 6 जो मैंने पहला जो ट्रॉफी 10 में से 6 जीतना था मैंने जीत लिया है, 6 वाला 10 तो नहीं हो पाया क्योंकि मेरा बैकग्राउंड साइंस से था, ये बहुत पूरा हिस्ट्री वाला है इसीलिए। चलिए कोई बात नहीं है, जारी रखते हैं। इन कुछ महिलाओं में से एक जिन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान, यहाँ पे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो देख रहे हैं ये गेम का पैटर्न कितना अच्छा बनाया गया है कि आपको यहाँ पे अवार्ड भी मिल रहा है भाई, कुछ कुछ गिफ्ट टाइप से, मतलब वर्चुअली यहाँ पे अच्छा लगेगा आपको खेलने के लिए। तो चलिए यहाँ पे मैं इस गेम को क्विट करता हूँ और दूसरे गेम पे चलते हैं, आज़ादी क्विस्ट वाला चलते हैं। ये तो हीरोज ऑफ आज़ादी का जो नाम से गेम था उस पर हम लोग चल रहे थे, अभी आज़ादी क्विस्ट मैच 3 जो गेम है उस पर चलते हैं, खेलते हैं इसको। लोडिंग हो रहा है, वैलिडेट एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ भी फिर वही सवाल, हिंदी या इंग्लिश, तो हिंदी में चलते हैं भाई क्योंकि अपन का चैनल हिंदी में है। यहाँ पे लोड हो रहा है और यस खेलें, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या दे रहे हैं, अच्छा स्कूल बंद है, चलो कुछ मज़ेदार करते हैं। छोटू क्रिकेट खेलना चाहते हो? हमें एक फील्डर चाहिए दीदी, मैं बहुत सारे चौके लगाऊंगा। अच्छा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उससे पूछ रहा है कि क्या तुम क्या खेलना चाहते हो, तो वो बोले अरे यार उससे अच्छा है कि चलो गेम खेलते हैं। इस टाइप से इसको मैं जल्दी जल्दी इधर स्किप करता हूँ। चलिए आ गया गेम, हम लोगों का लक्ष्य दिया गया है 9 पजल्स यहाँ पे ऊपर दिख रहा है, इसको मिलान करना है, तो यहाँ पे देखते हैं भाई। चलिए ठीक है, यहाँ बता भी रहा, आपको इंस्ट्रक्शन भी दे रहा कि कैसे आपको ये गेम खेलना है, पजल्स कैसे मिलाना है, देख रहे ना। ये गेम कंप्लीट हो गया और यहाँ पे फिर से दूसरा पैटर्न में यहाँ पे लक्ष्य 16 का ब्लू पजल का रखा गया है। यहाँ पे हम उन्हें संघर्ष के बारे में जान सकते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे मिलाते हैं हम लोग, ये भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे 2 तिरंगा यहाँ पे हम लोगों को मिला है गिफ्ट के तौर पे, जो हम लोग पहले से जो दूसरा पजल्स गेम खेलते आ रहे हैं लाइक उसी टाइप से है, लेकिन थोड़ा इसको मॉडिफाई कर दिया गया है, थोड़ा अट्रैक्टिव कर दिया गया है। और भारत देखा, अभी यहाँ पे जो मैंने जीता अभी ये गेम, अब आज़ादी की खोज ज्ञान कार्ड पे दिया गया है, मतलब ये बोल रहे ईस्ट इंडिया जो कंपनी आई थी वो व्यापार करने के आई थी, लेकिन उसका नियत जो था ना वो ईस्ट इंडिया कंपनी को लूटने का था, और वो व्यापार करने के माध्यम से आ करके इंडिया को लूट करके चले गए थे, यही बता रहा है। यहाँ पे इसको शेयर भी कर सकते हैं आप सोशल मीडिया पे,
साथ ही साथ जारी रखिए, यहाँ पे बहुत सारा और भी गेम आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये देखिए लेवल 2 मैंने कंप्लीट कर लिया, लेवल 3 में ये चला गया। तो इस टाइप से आप गेम को यहाँ पे खेल सकते हैं। और यहाँ पे भारत के औपनिवेशिक शासन जो थे यहाँ पे आपको दिखाई देगा बहुत सारा। यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ना बहुत सारा आ रहा है। और यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा, संस्मरण करके दिखा रहा है जो बहुत सारा भारत के औपनिवेशक शासन थे, 1857 की क्रांति, जो हिस्ट्री में जो बताया जा रहा है हम लोगों को। तो बहुत कुछ तो कम्प्लीटली नहीं बताया गया है, किताब में नहीं लिखा गया है। जो चीज़ नहीं लिखा गया है यहाँ पे देखिए बहुत सारा चीज़ें देखने को आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आप समझ गए होंगे ये गेम खेलने से आपके बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उनमें कितना जानकारियाँ मिलेंगी उनको, जो कि भारत के बारे में जानने को मिलेगा अभी से ही। अगर आप समझ सकते हैं कि छोटा बच्चा जो आपका है, जो दिन भर दूसरा गेम फ्री फायर और ये सब खेलते रहता है, उसको अगर जो शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, तो वो कितना बड़ा काम आप कर सकते हैं कि बच्चों को गेम के सिवाय उसको बहुत सारा जो जानकारी है भारत के बारे में मिलेगा, जो कि मैट्रिक इंटर टेंथ ग्रेजुएशन तक पढ़ता है बच्चा, वो सारा जानकारी आपको अभी से ही उसको सीखने को मिल जाएगा। तो आगे चल करके उसको कितना इजी हो जाएगा समझना और बुझना। तो ये बहुत ही गेम जो है आपके बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। मैं बहुत ज़्यादा आपसे समय नहीं लूँगा, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो को नहीं करूँगा, बस यही आपको बताना चाहता हूँ कि ये दोनों गेम जो है वो अपने मोबाइल में अभी का अभी इंस्टॉल कर लीजिए, और अपने बच्चों को पर डे या कभी भी जब उनको टाइम मिलता है खेलने का टाइम, या कभी भी संडे को, ये गेम दोनों जो है जरूर खेलवाइए, ताकि उनको भारत के बारे में और भारत के इतिहास के बारे में, जो भी हमारे वीर थे जो भारत को आज़ादी दिलाने के लिए वो बहुत अपना जान का निछावर कर दिए, उनके बारे में जानने को मिलेगा उनको, और बहुत मज़ा भी आने वाला, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा उनको और अच्छा लगेगा। तो आप भी सीखिए और अपने बच्चों को भी ये गेम खेलने के लिए बोलिए, उत्साहित कीजिए। और हाँ, अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर तो करते ही जाइएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस टाइप से वीडियो जो है वो हम रेगुलर बनाते रहते हैं, आप उसको आप नोटिफिकेशन में आप प्राप्त कर सकते हैं और उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों वीडियो गेम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ से जा करके आप ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।